शाला में, तो हम बात कर रहे हैं अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम की, जिसमें हम आपकी जितनी भी बेसिक बुक्स है और करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करते हैं। तो जो भी आपकी बेसिक बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम हो गया, उसको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो हमारा कवर करने का तरीका क्या है कि डेली मॉर्निंग में हम आपको टॉपिक्स देते हैं और इवनिंग में सेम टॉपिक पे हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो अभी हमने पॉलिटी को आधा कवर कर लिया है। और आज हर एक वीक में भी हम क्या करते हैं कि जैसे हर एक वीक में संडे को हम वीकली टेस्ट लेते हैं, संडे को वीकली टेस्ट लेते हैं, जिसमें पूरे वीक का के टॉपिक्स पे और पूरे वीक के करंट अफेयर्स पे हम ना जो है टेस्ट लेते हैं। तो आज पहला दिन है और हम आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पॉलिटी में हमने इस वीक में कवर किया है फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, ये चार टॉपिक, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हमने कवर किया है इनफैक्ट। तो इस टॉपिक्स पे हम डेली आपको ये भी बताते हैं कि फोकस एरिया क्या होना चाहिए, कि ये टॉपिक को आप कैसे पढ़ें और किस सोर्सेज से पढ़ेंगे आप। और करंट अफेयर्स एक वीक का 13 से 20 मार्च तक का आप को प्रिपेयर करना है। और आज जो है 8 PM पे जो है टेस्ट लिया जाएगा। बुक्स आपको कौन से रेफर करनी है, NCERT की क्लास 11th कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उस बुक को आपको रेफ़र करना है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई कंपाइलेशन भी आप रेफ़र कर सकते हैं आज के टेस्ट के लिए। और आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फोकस एरियाज़ की, कि कौन से टॉप एरियाज़ पे आपको फोकस करनी है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कल कल का जो आप अगर हमारा वीडियोस देखेंगे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और बाकी टॉपिक आप लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में देख सकते हैं। तो आइए आज करंट अफेयर्स में देखते हैं कि पुराने पिछले वीक में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो पहला ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था कि एक पेमेंट गेटवे को बंद कर दिया गया है। पेमेंट गेटवे को न्यू कस्टमर एक्वायर करने के लिए बंद किया गया है RBI ने, तो उसके अराउंड जो इश्यूज है उसको देखना है। दूसरा है आपको कि फर्स्ट ड्रोन स्कूल अभी कहाँ पे खोला गया है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स हुआ, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और इंडिया क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है। चौथा पॉइंट है कि अभी 92nd एनिवर्सरी मनाई गई है दांडी मार्च की, इसके बारे में होना चाहिए। इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है कि NFRA, नेशनल फिनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है उनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूबिका प्रोग्राम के बारे में, यूबिका प्रोग्राम ये इसरो का प्रोग्राम है और इसमें कितने स्कूल्स को अभी इसके अंदर डाला गया है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और पंजाब के CM का नाम और उनका बैकग्राउंड कुछ कुछ पता होना चाहिए। अभी खेल महाकुंभ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि खेल महाकुंभ कहाँ पे हुआ है, किन्होंने इनोग्रेट किया है इसको। एक स्कीम है वुमेन एट द रेट वर्क, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट है पाई डे के बारे में। देखिए ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, हर रोज़ 9 PM पे, @9 PM पे हमारे चैनल पे आपको एक हम 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इन टॉपिकों पे आपको प्रिपरेशन करना है, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। और आज रात में 8 PM पे इसी टॉपिक्स पे टेस्ट होगा। हमारा ये pcsala.com वेबसाइट है, इसके क्विज़ सेक्शन में आप जाइएगा और स्टैटिक क्विज़ के सेक्शन में आज आपको 8 PM पे मिलेगा। आप उसको टाइमली दे सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें 12 और 8, 12 फ्रॉम स्टैटिक और 8 फ्रॉम करंट अफेयर्स का हमने ब्रेकअप रखा है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।